हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है। तो भाई पहले कौन सी सुनाऊं? चले गाइस, पहले खुशखबरी सुना देते हैं, क्योंकि गाइस दुख का जो असर है वो खुशी को लेकर डूबता है, जो खुशखबरी लेकर डूब जाता है। तो भाई खुशखबरी यह है कि जो मेरे मीशो के पैसे अटके पड़े थे 1037 समथिंग, भैया वो अकाउंट में मेरे आ गए हैं। हाँ, उन्होंने मान लिया कि हाँ किस्मत ठीक है भाई, हमसे गलती है, क्योंकि भाई मुझे लगता है जो इन्होंने भेजा था प्रोडक्ट वो भाई किसी और के पास नहीं मिला होगा या इनके वेयर हाउस में पड़ा रहा होगा, मतलब जो भी रहा होगा गाइस मेरा रिफंड आ गया। ठीक है, तो गाइस मैं तो काफी खुश। लेकिन गाइस अब दुख खबरी, दुख की बात देखे भाई साहब, ये जो हमारी एंगल ग्राइंडर है, याटो 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 याटो, ये भाई नहीं चल रही है। देखिए, ओ ओ उठ जा। और भाई साहब बैटरी का आपको दिखाऊं, देखिए लगभग बैटरी फुल रिचार्ज कहेंगे ना, बस हल्का एक सेल वीक है, वरना लगभग बैटरी फुल रिचार्ज है और भाई साहब ये नहीं चल रही। कल भाई मैं इसका यूज कर रहा था, अचानक से भाई साहब इसमें कुछ धुआं से निकला है ना, पता ना कहां से निकला, इन छेदों में से निकला था शायद, क्योंकि गाइस ये छेद है इसमें। तो भैया पता नहीं क्या दिक्कत हुई है अंदर, और भाई वैसे इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये तो पूरा गियर बॉक्स हो गया और इसके अंदर मोटर होगी बस, और सिंपल बात है इसके अंदर डीसी मोटर होगी, क्योंकि एसी तो है नहीं है। तो भैया क्या करेंगे, तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? वैसे तिल्ली खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसका यूज काफी करता हूँ, काफी काम आती है, अगर ये खराब हो गया इस काम कैसे होगा। और भाई साहब मैं वायर वाले से काफी परेशान हो चुका हूँ, देखिए जो वायर वाली ना मेरी बॉस वाली, तो भैया उससे मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ भैया वायर लगाओ, जहाँ भी जाओ वायर लगा दिए। तो भाई इसका तो मैं ना के बराबर यूज करता हूँ, है ना, तो भाई ये मोस्टली ऐसी पड़ी रहती है, मैं इसका यूज नहीं करता, लेकिन इसमें बैटरी ऑपरेटर का ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन भाई इसकी बैटरी चलती बहुत कम है, लेकिन मैं इसको वहां करता हूँ जहाँ मुझे स्टेप में काम करना होता है, स्टार्ट किया रोक दिया, स्टार्ट किया फिर रोक दिया। लेकिन भाई जो बॉस की है उसका गाइस मैं वहां यूज करता हूँ जहाँ पे मैं कंटिन्यू काम करता हूँ, मतलब ज्यादा मुझे कुछ कटिंग करनी हो तो भाई वहां पर इसका यूज करता हूँ, लेकिन मोस्टली गाइस हमारा काम ऐसा होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, तो गाइस हमारा काम हो जाता है। अब भाई साहब ये काफी गड़बड़ है, और ये भाई काफी महंगी मिली थी, आई थिंक 8-9 हज़ार रुपए करीब में मेरे को पड़ी थी, ड्यूल बैटरी वाला लाया था ना सेटअप में, तो इतना मुझे पक्का याद नहीं, वही 3 एम्पियर आवर और 54 वाट आवर की बैटरी है 18 वोल्ट में, ठीक है यहाँ पे लिखा 18 वोल्ट। तो भैया ये कोई कंपनी का प्रमोशन या मतलब मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हो जाती है। तो गाइस ये मत सोचना कि भाई ये मशीन खराब है, या मैं इसकी तारीफ भी नहीं कर रहा कि भाई ये बहुत अच्छी है या बहुत ही मतलब महान मशीन ना, ठीक है भाई नॉर्मल यूज के लिए ठीक है। तो भैया कोई भी ना समझे कि मैं इस मशीन को बुराई कर रहा हूँ या तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे गाइस ठीक है, मेरा काम हो जाता है तो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक चीज है, कभी कभी धुएं निकल ही जाते हैं, तो भैया यूज भी जब काफी गाइस ऐसा ना कि मैं इसका कल काफी यूज कर रहा था, जो इसकी दूसरी वाली बैटरी है वो तो डाउन होगी भैया, फिर मैं इसे तुरंत निकाल के इस बैटरी को लगाई, इसे मैंने कंटिन्यू चलाया, तो गाइस मैंने काफी देर से कंटिन्यू चलाया, मतलब ये समझ लो कि इसकी जो बैटरी थी छोटी वाली वो बिल्कुल डाउन होगी, है ना, बैटरी लोगी, फिर मैंने इसे लगाया और भाई जैसे बस एक से बता रहा हूँ ना, देखिए अप्रोक्स फुल चार्ज थी, तो भैया इसमें से निकले धुएं और गाइस लगातार कंटिन्यू चलने के बाद ऐसे बोलने लगी, मतलब कि इसमें से भाई कुछ धुआं धुआं निकल गया। तो भैया हम कर क्या सकते हैं, गाइस देखिए हमें भैया जुगाड़ू आदमी, और गाइस एक बात हो, मेरे जो बाल है ना आजकल दगा कर रहे हैं, कभी इधर से इधर पहुंच जाते हैं, अब इधर से इधर पहुंच गए, यार दिल तो कर रहा कटवा लू ना यार, लेकिन सोच रहा हूँ यार चलो घर की खेती है कभी भी कटवा लेंगे, लेकिन भाई लुक खराब हुआ पड़ा सारा चेहरे का, है ना ऐसा लग रहा भाई जैसे हल्के खड़ा हो गया कैमरे के सामने आ गए, बस हर रंग की कमी है। तो भैया क्या करते हैं, फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं भैया ठीक होगी नहीं होगी। वैसे गाइस यकीनन मुझे पता है भाई ये ठीक हो जाएगी, इसमें डीसी मोटर ही होगा यार, इसका जो गियर बॉक्स है ये ठीक लग रहा है, लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर सीधा आर्मेचर लगा दिया है या डीसी मोटर ही है, मतलब आर्मेचर मतलब कि खुला हुआ ओपन में है या जैसे साफ सुपे तो मोटर होता है ना कवर में ऐसे है, तो वो तो भैया तक खोल के पता लगेगी, ठीक है। और ये वैसे अभी तक भाई खुली है नहीं, और ये पता नहीं कहाँ से खुलेगी, खैर खुली जाएगी, कहाँ इसके स्क्रू कहेंगे, हाँ ये रे भाई इसके स्क्रू, चले भाई देखते हैं हमारे पास क्या का जुगाड़ है खोलने की और क्या होता है देखते हैं। तो भैया हमने पूरे पूरे टूल किट निकाल दिए यार, पॉलिथिन वोलिथिन कहाँ से आ जा भाई, यार ये बच्चे करते फिर हैं, बाद में करेंगे ठीक है ना, ये टिन वायर देखो कैसे हालत हो रही है इसकी, अरे हाँ भाई हाँ ये वाले पेज को स्क्रू ड्राइवर ठीक है। तो गाइस दुआ करो कि यार ये खुल जाए, है ना, उसके अंदर कौन से स्क्रू है, इसके अंदर भाई प्लस वाले स्क्रू है, तो हमारा जो ये पेचकस है ये दो मुंह है, मुंह चेंज कर लेता है ना, सबसे बड़ी खास इसकी है भाई, फटाफट मैं इसे खोल लेता हूँ क्योंकि भाई अभी तक ये मैंने खोली नहीं है और भाई पता ना कहाँ से कैसे कैसे खुलेगी, तो भाई इसे फटाफट पहले खोल लेता हूँ। गाइस यकीन मानिए भाई हाथों की ऐसी की तैसी कर दी भाई इसने मेरी, जो हमारे स्क्रूड्राइवर ना ये भाई छोटू लाल है, तो फिर काम इनने कर तो दिया है यार, ये भी खोल लेता हूँ ब्लेड है इसका एक बार, ये देखिए हाथों की ताकत देख रहे धर्मेंद्र वाली, सीधा गोली को रोक लेता है ना, चलो भाई आप थोड़ा ठीक लग रही है, लाइट वेट सी है ना, खुल नहीं रही है, वैसे यार सारे मैंने अच्छे से देखे, ये वैसे ऐसे ही लग रहे हैं बस रोकने वाले, निकलने के नहीं है, और मुझे लगता है यार ये वाली भी रोक खोल के देख लेते हैं एक बार, है ना शायद इसी में हो, क्योंकि ये खुल नहीं रही भाई यहाँ से, क्या क्या टाइम आ गया, ये सारी चीजें खराब होती रहती है बहुत, अगर यार हम पे थोड़ा बहुत भी काम ना आए हमें तो यार मशीन लेट डूबेंगी भाई, खुल जाए भाई अब तो खुल जाए, अब तो मैंने वहाँ से भी खोल दिए,
यार क्या दिक्कत है भैया, मतलब एक चूड़ी लगी रहेगी। ओए दिख गया यहीं से दिख गया। देखो भाई, देखो तार जल रहा है, देख रहे हो, ये रहा भाई, तार जलावा दिख गया भाई साहब। भाई आए है खुल गया और ये इसका मैकेनिज्म है। और ओए है भाई, तार जलकर टूट गया, देख रहे भाई, ये तार ये जला है, ये रहा। अबे जला का है, कोहरे ससुरे यार, ये तार भी तो काफी ज्यादा भारी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कंटिन्यू चलने में से ये वायर हीट हुआ है और हीट होकर ये टूट गया है। खैर यहाँ पर कुछ और नहीं हुआ। और ये देखते हैं हीट रेजिस्टेंस होगा शायद, ये प्लास्टिक काफी हार्ड है तो भाई ये जल नहीं सकती, तो जो वायर था ये जल गया। और भैया ये रहा इसका मोटर, भाई मेरे को नहीं पता कि भी चलेगी नहीं चलेगी यार, क्या निकालने इसको, मैं ऐसे साफ करता हूँ। चलो इस बहाने इसकी सफाई हो जाएगी। कैसी पपड़ी के पपड़ी जमी पड़ी है देखो। तो भाई इसके अंदर ये काफी हैवी मोटर है दोस्त, आई थिंक ये 895 होगा भाई। इसकी वाइंडिंग देखो, देख रहा, मतलब पावर तो भाई सिंपल बात है, लेगा ही लेगा मोटर, इतनी हैवी वाइंडिंग है। तो भाई कितना कचरा जा रहा है इसके अंदर भाई, पहले इसका तार चेंज करके देख ले भाई, ये वायर नहीं हुआ है। हाँ तो भाई हम थोड़ा हैवी वायर लेंगे कॉपर का, जो कि 1 mm का है, ये मस्त काम करेगा। डीसी का मामला है भाई, डीसी का होता तो मैं सिंपल यूज कर लेता, वैसे बीसी का नहीं, वो एसी का होता है भूल गया मैं, भैया काट दिए इस पार्ट को। तो भाई साहब मैंने अच्छे इसकी सफाई की है मोटर की, और यहाँ पे देखो भाई, ऐसा आपको डिस्कवरी वाले भी नहीं दिखाते हूँ किसी कीड़े को, ये लूलू को जैसे गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ। वैसे काफी हैवी वायर है जो मैंने लगाया है, और भाई मेरे को यकीन है कि ये चल जाना चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ये मैकेनिज्म एंड में जाकर वही दबता बटन ही है, पीसी का भी हो। तो गाइस मैंने इसकी सफाई तो भाई करी दी है, ओ भैया फटाफट मैं इसे लगा भी देता हूँ, देख रहा है यहाँ पे धूल मिट्टी है, 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 है। चलो भाई देखते हैं यार, दुआ करिए भाई चल जाइए। वैसे गाइस आपको एक बात बताऊँ, इसकी 6 महीने की वारंटी थी या है, मुझे लगता थी, अब इसकी चली गई है ना, मैंने इसके डॉक्यूमेंट अभी चेक किए नहीं है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने से ज्यादा तो होगी मेरे पास, तो इस बारे भाई मैंने इसे खुद ही खोल ली, वरना गाइस मुझे दिल्ली ले जानी पड़ती। तो भाई मैंने सोचा दिल्ली क्या ले जाऊँ भाई, मैं देख लूँ। तो भाई साहब मिस्त्री तो इंडिया का हर वो शख्स है जो जुगाड़ू है, वो गाइस मिस्त्री नहीं है, वो जुगाड़ू तो मिस्त्री है। खैर गाइस इस लाइन को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उधर जो मैंने बोल दिया होगा। तो भाई ये तो हो गया साफ, और भैया इसे अच्छे से लगा देते हैं, अगर ये लग जाए तो तरीके से। भाई वाह, लगने में तो भाई कोई दिक्कत नहीं करी भाई, वाह रे वाह, लगने में तो भाई कोई दिक्कत नहीं करी, देखो एकदम भाई फर्स्ट क्लास लग गई। चलो गाइस मैं फटाफट से लगाता हूं। तो लीजिए गाइस फाइनली ये मैंने बंद कर दिया है, पैक कर दिया है, और ये काफी अच्छी तरह से बंद हो गई है। अभी गाइस मैं इसकी प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा, भाई चला के देखते हैं, चल तो जानी चाहिए। ओ भाई अरे भाई मजा आ गया, ओए धूल मिट्टी निकली, देखो कितनी धूल मिट्टी है भाई, देखो धूल मिट्टी निकल गाइस, ये देखो जो आपके सामने तो आ रही ना कैमरे में, ये भाई तो धूल मिट्टी है, कितनी धूल मिट्टी है भाई, देखो भाई पंखे का भी काम करता है, बहुत तेज आवाज देता है यहाँ से, इधर से बहुत तेज आवाज आती है। तो भाई चलो थैंक गॉड भाई ये ठीक हो गया यार, काफी पैसे बच गए, क्योंकि भाई साहब इसकी गारंटी वारंटी सब निकल गई, 6 महीने की थी इसकी गारंटी वारंटी मुझे याद है, और मैं दिल्ली से लेकर आया था इसे जामा मस्जिद के पास से, मामा जाता रहता हूँ तो वहां से ले आया। और गाइस यकीन मानिए, अगर आप काफी मतलब आप प्रोफेशनल हो ना, मतलब आपको काफी काम रहता है गारंटी का, तो भाई ये आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी, ये कभी भी धोखा दे जाती है। और भाई बाई चांस तो ऐसा भी होता है, कभी कंटिन्यू चलाओगे ना तो इसकी बैटरी फुल चार्ज है, तो भाई थोड़ा देर लगातार चलाओगे तो भाई ये बंद हो जाएगी। इसका जो BMS है, जैसे कि होता है ना, वो जैसे कि पावर खींच रहा है डीसी मोटर BMS की औकात के हिसाब से, फिर कभी ऐसा करना पड़ता है इसकी बैटरी निकाल कर दोबारा लगानी पड़ती है, या भाई ऐसा होता है कि बैटरी बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब कंटिन्यू चलाओगे ना कंटिन्यू तो इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो गाइस काफी पावर लेता है मोटर डीसी मोटर। अब गाइस ये कंपनी वाले क्या कर सकते हैं भैया, चीज ऐसी है मतलब इतनी पावर लगाती है, मतलब आप झूल ही जाओगे ना इस पे लोहे काटते वक्त, गाइस आप जो डायरेक्ट AC चलती है ना उसको भाई साहब लटक जाओ झूल जाओ, वो नहीं रुकेगी, पत्ता तक तोड़ देगी, जो ब्लेड है वो तो तोड़ देगी, ये नहीं तोड़ सकती, ये भाई खुद ही रुक जाएगी। तो भाई डीसी की एक लिमिटेशन है, सिंपल बात है, AC के सामने, तो उसमें गाइस पावर अनलिमिटेड पीछे से भाई धड़ाधड़ मिले जा रही है, तो पी रहा भाई साहब, वो तो खूब बिजली पी रहा है, ये क्या करेगा भाई, ये तो बेचारा बैटरी से लेगा जो की पावर पैक इसका नीचे लग रहा है। तो अगर आपको हल्का फुल्का लाइट काम करता अगर आपको भाई हल्का फुल्का काम करना हो तो गाइस ये आपके लिए बेस्ट है, वरना गाइस ये कभी भी धोखा दे जाती है, तो इसलिए गाइस मेरे पास 220 वोल्ट वाली मतलब की बोश की भी रखी है, तो दोनों को मैं यूज करता हूँ, लेकिन गाइस ज्यादातर मैं इसका यूज करता हूँ, इसलिए गाइस इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आई जाती है, और भाई मुझसे अच्छा नहीं बता सकता गाइस, मैं इसको काफी यूज करता हूँ। तो भैया बस मैंने आपको बता दिया, अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो, काफी हैवी लोहे काटते हो, मेटल काटने यूज करते हो, भाई ये नहीं बनी आपके लिए, ऐसा करा देखो काटा कुछ रख दिया,
फिर कुछ काटा फिर रख दिया। आपको कुछ घिसाई करनी है इस पे सैंड पेपर लगाकर या कुछ वेल्डिंग घिसाई करनी है तब तो ये थोड़ा ठीक है, लेकिन गाइस काटने में क्या होता है काफी पावर लगाता है मोटर और लोहे के अंदर फंस जाता है ना ब्लेड तो पावर लगाता है, तो उससे क्या होता है ये शट डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो गाइस वैसे तो मशीन ठीक है, लेकिन गाइस मैंने इसका कल काफी यूज करा, काफी मतलब यूज करा, तो भैया इसके अंदर मैंने बताया ना गाइस कि कभी कभी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है फिर थोड़ी देर बाद चलती है क्योंकि शट डाउन हो जाती है, जो बीएमएस का वो आई थिंक पावर देना बंद कर देता है कि भाई मेरी औकात नहीं है मैं इससे पावर नहीं दे पाऊंगा। तो गाइस मैं तो कंटिन्यू चला, इसकी बैटरी डाउन होगी, फिर दूसरी बैटरी बदली तो भैया इसका तार में लग हीट हो गया। तो गाइस वैसे मैंने थोड़ा एयर वायर लगा दिया है, तो भैया मुझे यकीन है कि अभी थोड़ा चल जानी चाहिए, और गाइस जैसे भी अपडेट होगी चल रही है नहीं चल रही है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आगे फ्यूचर में, सिंपल सी बात है गाइस ये व्लॉग में आपको बता दूंगा आगे, अभी तक तो गाइस ठीक है और मैं इसकी टेस्टिंग बस चला के की है, वैसे लंबी यानी कि लंबे समय तक चला के टेस्टिंग नहीं की है, वो गाइस आपको मैं आगे व्लॉग बता दूंगा, ये बीच में जैसे व्लॉग शूट करता रहता हूं उसमें बता दूंगा मशीन क्या चल रही है। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, भाई काफी खुशी है, तो गाइस दोनों ही खुशखबरी होगी भाई, पैसे भी आगे मिस होते और हमारी एंगल ग्रांड भी ठीक होगी। तो गाइस लाइक करें और भाई सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।